अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, कई लोग मारे गए थे। और सभा ये भीड़ ये दिखाती है कि मोदी जी योगी जी आए नहीं है, वो फंस चुके हैं हमारे दिल में। तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के मंत्र आते हैं मन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियां लगातार चुनावी राज्य के जिलों में जनसभाओं के माध्यम से अपनी पार्टी का जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। यूपी में भाजपा की सरकार सत्ता में है, ऐसे में भाजपा एक बार फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जोरदार प्रचार कर रही है। अब आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जिलों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के किदवई नगर एवं छावनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, करहल में होने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला है और भाजपा को जिताने वाला होगा। जब समाजवादी पार्टी का कमांडर ही लड़ाई के मैदान से बाहर जा रहा है तो पूरी लड़ाई तो भाजपा पहले ही जीत चुकी है। इन दंगाइयों को मालूम है कि अगर इन्होंने दंगा किया तो अगले 24 घंटे में किसी चौराहे पर उनकी फोटो लग जाएगी और वसूली के लिए उनके घरों में नोटिस आ जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। यहाँ पर आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, कुछ कर गुजरना है तो महाराज जी के आदर्शों पे हम लोग चलकर कर कर की चिंता करते, सबके विकास के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके कल्याण करके सुलभ व्यवस्था देने के लिए और सबके विकास के कल्याण करने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती में जो बाघ का पहाड़ बनाकर उसने देश की स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष डॉक्टर बीना आर्य जी, लोकप्रिय विधायक और किदवई नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री महेश त्रिवेदी जी, छावनी से भारतीय जनता विधानसभा के संयोजक श्री नीरज चतुर्वेदी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती अनिता गुप्ता जी, उमेश सिंह जी, श्री प्रमोद मिश्रा जी, श्री राम सिंह जी, राम बहादुर यादव जी और उपस्थित भाइयों बहनों, दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव रुझान इस बारे में स्पष्ट संकेत करते हैं कि भारतीय जनता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।